ठाकरे सरकार और उनकी तीन तिगाड़ी सरकार में ये दंगे आखिर क्यों? सरकार को कोई सरकार का क्या रोल था इसमें? कड़ी सी कड़ी निंदा करती हूँ इस विषय पर। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव विषय है जो 12 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र में, जो मेरे संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर बिना पुलिस परमिशन के लिए हजारों संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला, उससे राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया, पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं रोका? महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या उन्हें सपोर्ट किया गया? महाराष्ट्र सरकार के नेता आखिर भड़काऊ भाषण उस दिन क्यों दे रहे थे? उस मोर्चे के दौरान क्राउड ने व्यापारियों को मारा पीटा, उनकी दुकानों पर पथराव किए और दुकानें भी तोड़ी फोड़ी। मैं पूछना चाहती हूं कि उन्हें ऐसे करने के लिए इतनी हिम्मत किसने दी और इन सब के पीछे कौन है? इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार की असफलता। सर सर सर, बहुत सेंसिटिव विषय है सर, इसको पूरा बोलने सिवाय इसका होगा नहीं। और महाराष्ट्र में जब 5 साल तक देवेंद्र साहब की सरकार थी, तब ऐसे सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए, पर आज ठाकरे सरकार और उनकी तीन तिगाड़ी सरकार में ये दंगे आखिर क्यों? सरकार को कोई सरकार का क्या रोल था इसमें? कड़ी सी कड़ी निंदा करती हूँ इस विषय पर। कार्रवाई होनी चाहिए सर। तिरुपुरा में सर, सर तिरुपुरा में। थैंक यू वेरी मच सर जी। Continuing economic distress in rural India has led to increased demand for jobs under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. सर, तिरुपुरा में हुई घटना की अफवाह मात्र थी। रजा अकादमी ने जिससे महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कई सेंटर हैं, अफवाह को फैलाने का काम किया, यानी आग में तेल डालने जैसा काम किया। इसके लिए रजा अकादमी की जितने भी सेंटर्स हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। देखिए भूमिका छोटी रखिए, विषय पर तुरंत आइए। सर लास्ट हो गया सर, आपको मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि सिर्फ अमरावती ही नहीं बल्कि जिले के आकोट में, व्यापार नांदेड़ में, नासिक में, मालेगांव जिले में भी ऐसी दंगा हुई, तो इसके पीछे जिनके भी हाथ हैं उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए।